दो ऐसे सुपर हीरो जो ना तो अर्थ से बिलोंग करते हैं और ना ही उनके यूनिवर्स में उनसे कोई पावरफुल है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ थोर वर्सेज सुपरमैन। थोर एक एस्गार्डियन है एंड वही सुपरमैन जो एक क्रिप्टोनियन है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजीत एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ किसमें कितना है दम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट दूंगा गुलशन कुमार को, जिसने सेंट्रो क्विज का बिल्कुल सही आंसर दिया। और अगर आपको भी चाहिए ऐसा शाउट आउट तो सेंट्रो क्विज में पार्टिसिपेट करना, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। सो अब बात करते हैं थोर वर्सेज सुपरमैन की। हमने इस कंपैरिजन को 7 राउंड्स में डिवाइड किया है और हर एक राउंड होगा 10 पॉइंट्स का, और एंड में जिस सुपर हीरो के ज्यादा पॉइंट्स जुड़ेंगे वही विनर होगा। राउंड 1, फाइटिंग स्किल्स। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। थोर एक एस्गार्डियन वॉरियर गॉड है एंड उसको फाइटिंग ट्रेनिंग मिली हुई है, एंड थोर की एज 1500 साल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 1500 साल में कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी एंड इससे उसकी फाइटिंग स्किल्स कितनी इंप्रूव हो गई होंगी। एंड अगर आपको एमसीयू के सभी सुपर हीरोज की एज जाननी है तो आप आई बटन में दी गई इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमैन की। तो ना तो उसको कोई फाइटिंग ट्रेनिंग मिली है और ना ही उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, सो आप समझ सकते हैं कि उसकी फाइटिंग स्किल्स अभी बहुत कम है। सो इस राउंड में थोर को मिलते हैं 9 पॉइंट्स एंड सुपरमैन को मिलते हैं 7 पॉइंट्स। राउंड 2, स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। तो हम सबने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि कैसे थोर न्यूट्रॉन स्टार की ब्लास्ट के सामने खड़ा रहकर उसने अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर को बनवाने में हेल्प की थी। इससे आप उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमैन की। आपको सुपरमैन वर्सेस बैटमैन का ये सीन तो याद ही होगा, जहां सुपरमैन ने बैटमैन को जरा सा पुशी किया था एंड इससे बैटमैन दूर जाकर गिरा। इससे आप सुपरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। सो इस राउंड में दोनों ही सुपर हीरो बेस्ट हैं, सो दोनों को ही मिलते हैं 10-10 पॉइंट्स। राउंड 3, स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। तो थोर की खुद की स्पीड तो नॉर्मल ही है, लेकिन वो अपने वेपन म्योलनीर या स्टॉर्मब्रेकर की हेल्प से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है एंड फ्लाई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं स्टॉर्मब्रेकर की बाइफ्रोस्ट वाली पावर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट पावर है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन की स्पीड अप्रोक्स साउंड की स्पीड के इक्वल है एंड सुपरमैन बिना किसी वेपन की हेल्प से फ्लाई भी कर सकता है। सो इस राउंड में थोर को मिलते हैं 7 पॉइंट्स एंड सुपरमैन को मिलते हैं 9 पॉइंट्स। राउंड 4, ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। तो आपको इन्फिनिटी वॉर वाला वो सीन तो याद ही होगा, जहां थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की हीट को अपनी बॉडी से सहा था एंड उसके बाद थोर ने वाकांडा जाकर थानोस की आर्मी से फाइट भी ली, एंड थोर रैग्नारोक मूवी में हल्क से इतनी मार खाने के बाद भी बच गया था। इससे आप थोर की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन सनलाइट की वजह से उसकी पावर वापस आ गई एंड वो बच गया। बाद में उसकी एंडिंग फाइट में डेथ हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी थोर से बहुत ही कम है। सो इस राउंड में थोर को मिलते हैं 10 पॉइंट्स एंड सुपरमैन को मिलते हैं 7 पॉइंट्स। राउंड 5, पावर्स। थोर की पावर्स की बात करें तो वो गॉड ऑफ थंडर है। सो उसके पास है इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, लाइटनिंग कंट्रोल, रेजिस्टेंस टू इंजरी एंड म्योलनीर या स्टॉर्मब्रेकर की हेल्प से बाइफ्रोस्ट ओपन करने की पावर एंड फ्लाई करने की पावर एंड मच मोर। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोर के पास कितनी पावर्स हैं। इसके बाद सुपरमैन की पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, सुपर ब्रीथ, सुपर स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड हियरिंग, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रीथ जैसी बहुत सारी पावर्स। सो सुपरमैन के पास भी थोर की तरह ही बहुत सारी पावर्स है। सो इस राउंड में दोनों ही सुपर हीरो बेस्ट हैं, सो दोनों को ही मिलते हैं 10-10 पॉइंट्स। राउंड 6, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के मामले में यहाँ हम सबको पता है कि थोर सुपरमैन से पीछे रह जाता है, क्योंकि सुपरमैन बहुत सारी बातें एक ही साथ सीख सकता है, लेकिन थोर को इस काम को करने में टाइम लग जाता है। सो इस बात से हम बोल सकते हैं कि सुपरमैन थोर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो इस राउंड में थोर को मिलते हैं 8 पॉइंट्स, सुपरमैन को मिलते हैं 9 पॉइंट्स। राउंड 7, एक्सपीरियंस। थोर और सुपरमैन में किसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका सिंपल सा आंसर है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका आंसर है थोर, क्योंकि थोर की एज सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा है। जहाँ थोर की अप्रोक्स 1500 साल है, वहीं सुपरमैन की एज अप्रोक्स 30-40 साल है। सो यहाँ क्लियर पता चलता है कि किसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो इस राउंड में थोर को मिलते हैं 10 पॉइंट्स एंड सुपरमैन को मिलते हैं 7 पॉइंट्स। एंड अब सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो थोर के टोटल पॉइंट्स होते हैं 64 एंड सुपरमैन के टोटल पॉइंट्स होते हैं 59। सो इस कंपैरिजन का क्लियर विनर है थोर।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। सो अपनी सुपर फिंगर्स का यूज करो एंड वीडियो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।